नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिन से जेजेपुर में भूख हड़ताल में बैठा युवक। आपको बताते चले कि नगर पंचायत जेजेपुर के सामने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल में बैठा युवक का कहना है कि कक्षा पांचवी से लेकर आठवीं को पुण्य बोर्ड की मान्यता दी जाए और कक्षा पहली से लेकर जनरल प्रमोशन को बंद किया जाए। इस बारे में क्या कहते हैं धरने में बैठा हुआ युवक। जेजेपुर से संवाददाता संदीप कश्यप की रिपोर्ट। हम अगर घुमराले हैं, मैं आम गांव से हूं। ये धरना है ना गलत शिक्षा नीति के खिलाफ है और ये धरना वाला करते हुए मुला आज है तीन दिन है और मैं भूख हड़ताल में हूं। मोर तीन सूत्री मांग हवा है। मोर पहला मांग है कि पाँचवीं आठवीं फिर से बोर्ड होना चाहिए और जो पहली से लेकर आठवीं तक बिना पढ़े पास करते लिखा मल्ला वो निकला बंद करना चाहिए और जितका भी सरकारी कर्मचारी लेगा है वो मन भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई कराए और जे लेका मन सरकारी स्कूल में पढ़ाई करा थे वो छात्र मन ला सरकारी नौकरी में 25% बोनस अन दिया जाना चाहिए। और तीसरा मोर मांग ये है कि कक्षा बारहवीं तक एक समान कक्षा एक समान शिक्षा और एक समान पुस्तक की नीति लागू होना चाहिए, क्षमा सुधार आ सकते थे। मैं ये हड़ताल नगर पंचायत जयपुर के सामने कर रहा हूँ। देखा सर, मांग तो पूरा अभी नहीं हुए, मतलब पहली बार मैं करत नहीं हूँ। मैं पिछले साल रायपुर में भी कर रहे हैं, भूलत तालाब के पास भूख हड़ताल में 13 दिन से कर रहे हैं और जब तक क्षमता है तब तक मैं करूँ। सर, मैं जान तो नहीं देता हूँ कर ले, काबर की मोर भी परिवार में माँ है, बाप है, भाई बहन, बेबी बच्चा सब है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं हाँ अपन लिए और समाज के लिए ये मुद्दा उठाना चाहता था। जब समाज जगी और समाज में चाहता कि समाज अपन लिए लड़ाए, छात्र अपन लिए लड़ाए, जब तक छात्र अपन लिए सोची नहीं, अपन लिए लड़ी नहीं, तब तक ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाता है।